पर दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों फाइनली प्राची एक्सपोज करेगी इस समय मिहिका को। मिहिका से बोलेगी कि तुमने ही मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करने की। आप लोग जानते हैं कि मिहिका ने बोल दिया है प्राची से कि प्राची तुम जितना रणवीर से दूर रहोगी इतनी तुम्हारी जान की सेफ्टी रहेगी, और तुम रणवीर के करीब रहोगी तो तुम्हारे साथ में क्या घटना घट जाएगी वो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि समय कई परिस्थिति आती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि वास्तव में दोस्तों जो हो रहा है वो बेहद ही ज़्यादा अलग और इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों ना यहाँ पर मिहिका हार मानने वाली और ना यहाँ पर अक्षय, दोनों बहन भाई लगातार प्राची और रणवीर के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्षय इस समय रणवीर के पीछे लगा हुआ है और वहीं पर मिहिका इस समय प्राची को टारगेट कर रही है। दोनों के दोनों अलग अलग अपने अपने टारगेट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि प्राची के लिए इस समय अक्षय कुछ भी कर सकता है और रणवीर के लिए मिहिका कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मुद्दों में बढ़ चुकी है। आखिर कोई करे तो करे, क्या करे तो करे, कैसे करे। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों का मानना यह है कि जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब जो होने वाला है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ नज़र आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा रणवीर प्राची से कि प्राची जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आप लोग जानते हैं कि अपने वादे से किसी भी तरीका से पीछे नहीं हटता है, और आखिरकार देखना एक बार फिर से दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। थैंक